रिव्यू यूनानी मेडिसिन के मौजे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि लिंक में प्रॉब्लम कैसे होती है और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बचपन में गलत हरकत की वजह से काफ़ी हजरात को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ता है और बहुत ही ख़राब प्रॉब्लम है। लिंग के अंदर छोटा बड़ापन होने लगता है। दोस्तों, इसका एक कामयाब और मुजर्रब नुस्खा बना हुआ मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। बनाने बैठेंगे तो काफ़ी आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। दोस्तों, वो हमदर्द कंपनी का प्रोडक्ट है। मैं जैसे कि आपको बता दूं उसका यूज़ आपको कैसे करना है। दोस्तों, उस प्रोडक्ट का नाम और तिला आज़म के नाम से जाना जाता है। तिला आज़म बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कामयाब नुस्खा है हमदर्द कंपनी का। आप उसका यूज़ करोगे तो आपके लिंग में छोटा बड़ापन सब सही हो जाएगा। दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ रात में ऊपरी नसों की जिल्द पर करना है और इसको यूज़ करने के दरमियान अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी औरतों से दूर रहें। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से आपकी जो भी नस में टेढ़ा और सूजन वगैरह पन आने लगता है वो तमाम प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। लिंग में छोटा बड़ापन है तो आप इसका यूज़ करें, ज़्यादा ना हो करें, ऊपरी जिल्द पर लगाएं हल्के हाथ से और इसकी मालिश करें और इसका यूज़ करें तो सुबह उठकर आप इसको गर्म पानी से धोएं। मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप उसको गर्म पानी से धोएंगे तो हमारी नस में जो भी सूजन वगैरह हो या फिर उसके अंदर रिवाज वगैरह आ गई हो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से तो वो तमाम चीज़ सही हो जाएगी। दोस्तों, तिला आज़म बहुत ही कामयाब और ज़बरदस्त नुस्खा है। आप इसका यूज़ करिए, फालतू प्रोडक्ट के पीछे ना पड़िए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।